सो नरेन, कैसा लगा सरप्राइज? जीजू ने बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है। आप यही चाहते हैं पापा? एक्चुअली बेटा, लेकिन ये सब पापा, मैंने क्या आप भी यही चाहते हैं? कभी ना कभी तो तुम्हें ये सब कुछ संभालना ही पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल यू आर माय ओनली सन। तो क्या आपका बेटा होने की कीमत अदा करनी पड़ेगी? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूं। क्या एक बाप को इतना भी हक नहीं? बिल्कुल है। अगर अपने बेटे के फ्यूचर में खुद का स्वार्थ ना देखे तो इस वक्त ये तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। घर में मेहमान आए हुए हैं, सब क्या कहेंगे? जो मैं कहना चाहता हूं, क्या कभी आपने वो सुनने की कोशिश की है? क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, क्या कहना चाहते हो? क्या है क्या तुम्हारे पास कहने के लिए? सिर्फ दो चार किताबी बातें? लाइफ इज नॉट ए बुक ऑफ फिलोसफी नरेन। आज पूरे ऋषिकेश में तुम्हारी इज्जत है। लोग तुम्हारा मान सम्मान करते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ मेरा सरनेम जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सरनेम मैंने तो नहीं मांगा ना पापा। मुझे तो तुम्हारी लीला ही समझ नहीं आती। चाहते क्या हो तुम? हाँ, कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। ये जोगी के कपड़े बदलना, अब यूं घर में आके सबके लिए मिठाइयां बांटना, ऑफिस आना, क्या था ये? क्या मतलब था इन सबका? यही तो प्रॉब्लम है ना पापा, हर चीज को अपनी नजरों से देखना चाहते हो। ये कोर्ट, ये पार्टी, ये दिखावा ही मायने रखता है। दिखावा? और मुझे लगा तुम वाकई बदल गए हो। सब कुछ परोसा हुआ थाली में मिल जाए ना तो ये बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। अरे जाकर देखो, पूछो उनसे, जो दिन रात खटने के बाद मुश्किल से दो वक्त की रोटी कमा पाते हैं। लेकिन मैंने कभी आपसे एहसान नहीं मांगा पापा। आप प्लीज अपने अरमान मुझे मत ला दिए। नरेन बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाओ, फिर बात करेंगे। अरे कब तक बात करेंगे माँ, कितनी बार बातें करेंगे? कितनी बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी जिंदगी मुझे अपने तरीके से जीने दो। कितने बार लड़ चुका हूं कि ये मिस्टर व्यास जी का एम्पायर का एमडी मुझे नहीं बनना। अगर अपने तरीके से जिंदगी जीना बुरी बात है तो नहीं बन सकता मैं अच्छा बेटा। क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो तुम? हाँ, सारी जिंदगी जो ही किताबों और जानवरों के बीच में बिता देना चाहते हो? Look at me, Naren, look at me. तुम्हारी उम्र में मैंने अकेले इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया था और फर्क देखो तुम में और मुझ में। क्या फर्क है पापा? एक दिन आप भी चले जाएंगे और मैं रहेंगे और मैं या मैं क्या कहती हूं? फॉर वंस एंड फॉर ऑल आज मैं इस बात का फैसला कर लेना चाहता हूं। मिस्टर नरेन व्यास, क्या तुम चुपचाप बिना किसी बहस के बिजनेस ज्वाइन करोगे या नहीं? हां या ना?
नहीं नहीं ही नहीं हो। ये इज्जत की जिंदगी, ये आलीशान ऑफिस और ये सब तुम किसी के लायक नहीं हो नरेन। You don't deserve all this। गलती मुझसे हो गई जो मैंने तुमसे उम्मीदें लगाई। बेटा नहीं, अपना कारोबार संभालने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब जा सकती है। नरेन बाबू, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं। आपने देखा ना सुप्रिया मैम कितनी परेशान हो गई थी। अपनी माँ को बार बार परेशान करना अच्छा लगता है क्या? पापा भी तो बार बार वही बात दोहराने का मौका नहीं छोड़ते। लेकिन वो सिर्फ अपने पिता होने का फर्ज निभा रहे थे। वो सिर्फ अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। उन्हें बेटे की खुशी नहीं, अपनी पावर, अपना रुतबा बनाए रखने के लिए एक जरिया चाहिए, और उनके लिए दिखावटी जरिया मैं नहीं बन सकता। What was all this, सुप्रिया? इतने लोगों के सामने अपने बाप को एम्बैरेस करने में उसे जरा भी शर्म नहीं आई?
अपने इतना भी क्या गुस्सा था उसमें कि वो कंट्रोल ही नहीं कर सका? और बातें सुनी आपने उसकी? क्या मैं कभी अपने बेटे का बुरा चाहूंगा? बोलो सुप्रिया, अगर हर बाप की तरह मैं भी ये चाहता हूं कि मेरा बेटा जिंदगी में खुश रहे, आगे बढ़े, कामयाब बने, तो क्या बुरा चाहता हूं? अगर बेटे की खुशी चाहने में एक बाप का स्वार्थ है तो हां, हूं मैं स्वार्थी। बिना किसी मेहनत के सब कुछ इतनी आसानी से मिल रहा है ना साहबजादे को, इसीलिए जुबान खुल गई है, क्योंकि कदर नहीं है किसी चीज की। क्या जिंदगी में कभी चैन नहीं मिलेगा मुझे सुप्रिया? निलमा, नरेन इन सब चीजों को लेकर किस तरह से रिएक्ट करता है, ये तुम्हारे लिए कोई नई बात तो नहीं है? That's the reason मैंने ऐसा किया। And no sweets, please। अपने भाई की तरफदारी मत शुरू कर देना। तुम उनकी जिंदगी पर चापलूसी कर सकते हो, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? भैया हमारे बारे में कितना सोचते हैं। अगर सोचते तो नरेन को MD बनाने की बात तुमसे शेयर क्यों नहीं की? कहने को हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सब सिर्फ अपने बारे में पहले सोचते हैं। और जिस दिन तुम्हारे भैया का काम बन गया ना, उस दिन वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को किनारे कर कर फेंक देंगे। भैया को अगर ऐसा कुछ करना होता ना, तो वो कब का कर चुके होते। और रही बात वो MD वाली बात ना बताने की, तो आई एम श्योर भैया को ये बताने का मौका ही नहीं मिला होगा। ओह गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम्हारे भैया के सामने तुम्हारी बीवी और बेटी की कोई वैल्यू नहीं। तुमसे बात करने का क्या फायदा? तुमसे बड़ा लूजर तो इस दुनिया में ही नहीं है। तुमने इतनी हिम्मत अपने भाई के सामने भी दिखाई होती। और नीलिमा ने तो आज बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। अरे क्या जरूरत थी उसे वो सो कॉल्ड सरप्राइज वाला ड्रामा करने की? आप हमेशा पूछती थी ना कि मैं हर बात में पूरी फैमिली को साथ लेकर क्यों नहीं चलता। आज जवाब मिल गया आपको। पूरी फैमिली को साथ लेकर चलने का परिणाम देख लिया आपने। आपको शायद सुनने में बुरा लगे सुप्रिया, लेकिन ज्यादा दिनों तक मुझे ये फैमिली एक साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही। नरेन बाबू, सोचा है आपने आपके और सर की जंग में सुप्रिया मैम पर क्या बीतती है? हर परेशानी का हल होता है नरेन बाबू, अगर उसे ढूंढना चाहे तो। क्या आप और सर आमने सामने बैठ के आराम से बात करके सारी लड़ाई सुलझा नहीं सकते? अपने पापा से कैसे बात करनी, इस बात पे आप मुझे एडवाइस मत दीजिए। और अगर आपका हो गया हो तो मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज। आपकी माँ की खुशी आपके हाथों में है। ना तो मैं नरेन को उदास देख सकती हूँ और ना ही आपको परेशान, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं बची कि मैं फिर से नरेन को खुद से दूर जाने दूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरेन इस कंपनी का MD बने या ना बने, अपने बेटे के लिए क्या आप भी ये जिद नहीं छोड़ सकते? कब तक मैं आप दोनों के बीच ऐसे ही पिसती रहूंगी? बैठो तो सही कुसुम, देखो कितने बढ़िया आम हैं।
हैं? क्या बात है पापा, सीजन के पहले हम तेरी दीदी के ऑफिस की तरफ से आए हैं। बड़ी पहुंच है लड़की की वहां। इतने टेस्टी। मैं ऐसे हम देहरादून में कहां मिलते हैं? मुझे पता नहीं। अरे और लेना। गाले गाले। क्या बात है कुसुम, जब से हम पूजा के ऑफिस से लौटे हैं तुम बहुत शांत सी हो गई हो। रास्ते भर में तुमने गाड़ी में कोई बात भी नहीं की। वैसे तुमने जिद करके अच्छा ही किया, जो हम पूजा से मिलने उसके दफ्तर चले गए। इसी बहाने उसके बॉस से भी मुलाकात हो गई। बड़े शालीन लोग हैं, खासतौर से वो नरेन। आजकल के जमाने में ऐसे सुलझे हुए लड़के मिलते कहां हैं? अरे तुमने आम तो खाया नहीं, एक टुकड़ा तो चखो। बढ़िया है ना, तुम आम खाओ, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी चाय बना कर लाता हूं। भाभी जी प्लीज पूजा को अपने साथ मत ले जाइए। बदले में मुझसे या मेरी फैमिली से जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। आपका बस एक फोन ही काफी होगा। कल रात मैंने नरेन बाबू को समझाया तो था, पता नहीं उन्हें समझ में आया भी होगा या नहीं। पता नहीं सर और नरेन बाबू के बीच आज क्या होगा। आप सब लोग बैठिए प्लीज। आज मैंने आप सबको एक बहुत ही खास वजह से बुलाया है। कभी कभी रिश्ते ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि उनसे कुछ भी उम्मीद लगाना फिजूल है। जब रिश्ते एक दूसरे का रास्ता ही काटने लगे तो फिर अपना रास्ता बदल लेने में ही बेहतरी है। नरेन और मेरे बीच अब कुछ बाप बेटे जैसा रहा नहीं, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि इसमें सुप्रिया पिस रही है। रोज रोज के झगड़ों से बेहतर है कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लें। नरेन और मेरे बीच का रिश्ता अब ये कॉन्ट्रैक्ट तय करेगा और इसी में पूरे परिवार की भलाई है। जो रिश्ता जज्बातों से नहीं निभा वो शायद इस कॉन्ट्रैक्ट के सारे निभ जाए। इस घर में बाप बेटे के बीच में झगड़े नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। और नरेन तू क्यों इतना बचपना कर रहा है? बुआ, आमने सामने बैठकर बात सुलझाने में सबकी भलाई है। एनीवेज, कल रात हम दोनों ने सब कुछ डिस्कस करके कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्लॉजेस फाइनल कर लिए हैं, लेकिन साइन करने से पहले मैं एक बार ये सारे क्लॉजेस आप सबके सामने पढ़ लेना चाहता हूं, ताकि बाद में ये ना कहा जाए कि मैंने इसमें सिर्फ अपना मतलब देखा।
कुछ भी हो जाए, पापा मुझे ऑफिस या बिजनेस ज्वाइन करने के लिए नहीं कहेंगे। आज के बाद नरेन क्या करता है और क्या नहीं, इसमें ना तो मेरी कोई जिम्मेदारी होगी और ना ही जवाबदारी। जब जब मन में प्रीत जगे, अरमानों के दीप जले, पर मन में हो जब प्रीत घने, अरमानों को जगह कहाँ मिले।